हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि सबसे ज़्यादा अभी सेलिंग में आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर देख सकते हैं कि आमरेस्ट जो है नहीं आता है, तो आमरेस्ट जो है आज इसके अंदर लगाने वाले हैं और आपको आमरेस्ट भी दिखाएंगे किस तरीके का आमरेस्ट होने वाला है। बिल्कुल ओरिजिनल MGP का जो आमरेस्ट आता है, जो इसके टॉप एंड में भी आपको देखने को मिलेगा, वही आमरेस्ट आज इसके अंदर लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं डेल्टा प्लस के अंदर कुछ इस तरीके का आपको जो है सेटअप मिलता है, जिसमें आपको पीछे जो है एक तरीके से कॉइन होल्डर और कुछ आपका सामान वगैरह रखने के लिए आपको जगह वगैरह मिलती है। तो आइए लगाते हैं इसके अंदर हम पूरा, इसके अंदर जो फिटिंग्स होती हैं किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से पूरा खोलते हैं लगाते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आमरेस्ट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ऊपर की बेजल भी अलग से आती है इसके साथ, और ये पूरा आमरेस्ट आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो है लेदराइट रहता है, ये आगे पीछे भी आप इसको कर सकते हैं यहाँ पे, और ये आप जो है इसके अंदर आपको इतना कुछ स्पेस देखने को मिलेगा। तो आइए पूरा फिटिंग करते हैं इसको, दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा फिट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पैनल है इसको अलग कर देंगे कुछ इस तरीके से, इसके बाद देखने लगेगा। इसके बाद जो है पीछे से भी इसमें है ना स्क्रूज वगैरह लगते हैं, तो वो पूरे स्क्रू वगैरह को भी ओपन करते हैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके दो स्क्रू हैं, यहाँ पे ये दो स्क्रू को पूरा ओपन कर लेंगे हम। देखिए हमने स्क्रू जो है पूरा ओपन कर लिए हैं, और स्क्रू ओपन करने के बाद ये जो पूरा पैनल है ये पूरा जो है निकाल दिया जाएगा, और इस पैनल को निकालने के बाद जो है हमारा आर्मरेस्ट जो है इस जगह पे प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसकी पूरी जो है फिटिंग्स हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेजल भी लगी हुई है, जो 0-0 फिटमेंट होती है वो एग्जैक्टली पूरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आगे पीछे आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ग्लव, जैसा कि हमने अंदर दिखाया था, आपको पूरा जो स्पेस वगैरह मिलता है, और एक जो ओरिजिनल गाड़ी की फील होती है वो अब आपको मिलने लगेगी जब से ये आपकी गाड़ी में लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर जो है सिर्फ अभी हमने आर्मरेस्ट लगाया है, उसकी एक फ्लिप की भी बनाने वाला है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके की रहती है। अभी हम आपको ये पूरा आर्मरेस्ट दिखा रहे हैं, आइए हम आपको पीछे से भी दिखाते हैं कि किस तरीके की इसमें फिटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ पीछे से इसकी फिटमेंट दिखेगी। यहाँ पर आपको गैप दिख रहा होगा, ये जो गैप है इसमें जो है USB वाला पोर्ट आता है, तो वो भी अभी हम नेक्स्ट टाइम पर ऑर्डर कर देंगे, और वो भी इस गाड़ी के अंदर लगा के इस गाड़ी को जो एक कम्प्लीट लुक होता है वो पूरे देने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आर्मरेस्ट है ये अब गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से फिट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम आपको चाबी भी दिखाना चाहेंगे इसकी, किस तरीके से हमने जो है कन्वर्ट कर दिए। पीछे आप सुजुकी का लोगो देख रहे होंगे, ये जो है हमने इसकी बना दी है पूरी फ्लिप की, कुछ इस तरीके से इसका लुक आता है। ये जो आप देख रहे हो लॉक अनलॉक के बटन हैं, बिल्कुल सेम जो आपकी ओल्ड चाबी होती है बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, और ये जो है फ्लिप की तरह ये जो आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक और इसके अंदर हमने काम किया हुआ है, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इग्निशन भी ऑन हो गया इससे। तो ये आज पूरा काम किया है हमने फ्रॉन्क्स के अंदर अपनी। अगर काम अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। धन्यवाद।